स्टूडेंट्स नाउ लेट अस टेक वन एग्जांपल ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लूप करंट मेथड. ओके, देन व्हाट इज द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हियर? यूज लूप करंट एनालिसिस टू फाइंड द करंट्स इन द डिफरेंट ब्रांचेज. ओके, क्या करना है? करंट एनालिसिस, लूप करंट एनालिसिस मेथड यूज करना है. किस चीज के लिए? फाइंड द करंट्स इन द डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ ए डीसी नेटवर्क शोन इन फॉलोइंग फिगर. ये आपका जो फिगर दिखाया हुआ है डीसी नेटवर्क का, उसमें क्या करना है कि डिफरेंट ब्रांचेस से हमको करंट निकालना है. मतलब करंट पासिंग थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस, करंट पासिंग थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस, करंट पासिंग थ्रू द 6 ओम रेजिस्टेंस. ओके, वी हैव टू फाइंड आउट दीज करंट्स. ओके, देन वी हैव टू यूज व्हाट? लूप करंट मेथड. तो इन प्रीवियस क्लास व्हाट वी हैड सीन, वी सेलेक्ट लूप्स. लूप्स मीन्स क्लोज पाथ. तो हियर लेट अस सी, से लिमिट ए बी सी डी ई एफ, देन हियर ए बी ई एफ ए, ए दिस वन ए बी, ओके दिस वन A, B, A, B, E, F, A, B, E, F, A. This is a closed path, say it loop one. इसको हम लोग क्या कहते हैं? Loop one कहते हैं. ठीक है? तो current passing through this will be taken as I1. इससे हमारा कितना current pass कर रहा है? मान लिए, let us say the current passing through, current passing through loop one, that is what? Loop one is what? A B E F A is equal to I. Suppose ये हम मान, है ना? उसी तरह से let us take another loop. This one is again closed loop. What is the loop? A B C D E B. Okay. Then current passing through loop, say it loop 2, loop 2, this is loop number 2, okay, then this is what loop 2 is, B, C, D, E and B. Let us suppose say this current passing through the loop 2 is I. मान लिए इससे I1 पास कर रहा है इस लूप से, इससे I2. नाउ लेट अस राइट ऑन द KVL इन लूप 1 यूजिंग लूप करंट मेथड. ओके, व्हाट इज हियर वी विल यूज KVL इन यूजिंग KVL इन लूप 1. ओके, दैट इज व्हाट व्हेन वी विल वी हैव ऑलरेडी सीन. क्या करेंगे? EMF सोर्स है तो उसका डायरेक्शन क्या लेंगे? बाद में. क्लॉकवाइज जा रहा है तो ए जा रहा है, तो ए पहले ए बाद में, तो बाद में कितना है? पॉजिटिव है तो लेंगे पॉजिटिव पोलरिटी 10 वोल्ट हो गया. अब ए है तो हम निगेट, ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन को क्या लेते हैं? माइनस. तो यहाँ आपका कितना हो गया? 2 × -2 × I यहाँ पर. अब यहाँ देखिए, ये यहाँ आपका 2 करंट है, एक कॉमन है कहाँ? I1 I2 दोनों इसको मिल रहा है. हेयर दिस विल बी -6 × I1 - I2. ओके, ये हो गया आपका ए ए ए. अब नाउ दिस वन, यहाँ आपका क्लॉक वाइज आ रहा है तो ये क्या मिल रहा है? बाद में दिस नेगेटिव पोलरिटी कम्स लाइट आर ऑन, देन दिस विल बी टेकन एज माइनस. ओके, देन दिस बिकम्स -2 I1 - -6 I1 - -6 I2 and this becomes 10 - 6, that is +4, 10 - 6 volt. Okay, then this becomes -2 - 6, that is -8 I1 + 6 I2 equal to, take
minus 4. Okay. Then let us take common here 2 or minus sign. Then this will be 4i1. Okay. 2 common le liye minus sign. 2i1, 4i1 minus 3i2. And this one will be what? 2. Okay. So minus 2 common le liye. So minus 2 common liye to 4i1. Minus 2 common is minus 3i2 or a 2. Let us say this to be equation 1. Okay. अब यहाँ आ जाए तो यहाँ आपका इस जगह चलिएगा. देन दिस पोलरिटी कम्स लेटर ऑन बाद में आ रहा है तो यह आपका क्या हो जाएगा 6. यू एज यहाँ लिखे यू जी केवीएल इन लूप 2. लूप 2 बता ही चुके हैं कौन सा है ये वाला. तो यहाँ आपका क्या हो गया यहाँ पर क्लॉक पर जाइएगा तो ये पहले ये बाद में बाद वाला साइन. तो ये 6 विथ प्लस. अब यहाँ ये आपका क्या है 2 करंट है. तो हेयर दिस विल बी माइनस 6 यहाँ से i2 यहाँ से i1. तो ये क्या हो गया i2 माइनस i1. ठीक है. अब यहाँ ये ए ओनली सिंगल करंट दैट इज 3i2 माइनस 3i2 माइनस वाई बिकॉज क्लॉक वाइज. एंड हेयर यहाँ आइएगा ए वाला सिंबल बाद में आ रहा है. दिस नेगेटिव सिंबल कम्स नेगेटिव पोलरिटी इज कमिंग लेटर ऑन देन दिस विल बी टेकन एज माइनस 2. ओके. नाउ स्प्रेड इट एक्सपैंड इट. दिस इज 6 माइनस 2 दैट इज 4 एंड दिस वन इज माइनस 6 i2 एंड दिस इज प्लस 6 i1 and this is minus 3i2 and this is equal to this becomes equal to 0 or now this becomes 6i1. Okay. Or ye ho gaya aapka minus 6 minus 3 minus 9 6i1 minus 9i2. Okay, and that becomes equal to after kya ho gaya 6i1 ho gaya minus 19 ho gaya aur ho gaya minus 4 hai na. 6i1 minus 6 minus 3 9i2 aur this becomes minus 4. Okay, to aapka ye do equation ho gaya. दो इक्वेशन में देखिए आपका इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए है ना. इक्वेशन ये जानते हैं आप लोग सॉल्व करना. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस इक्वेशन. वी हैव ओनली नो टू इक्वेशंस. क्या क्या है ये आपका क्या कर दें इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें इसमें माइनस कर दें. 3 जाना ही होगा तो राइट ऑन क्या लिखेंगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन वन बाय मल्टीप्लाई 3 बाय मल्टीप्लाई 3 फ्रॉम इक्वेशन 2 दूसरे इक्वेशन से. तो दूसरे इक्वेशन लिखिए 6i1 माइनस 9i2 इक्वल टू माइनस 4. ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन. इसको हम क्या कर दिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तब नाउ दिस बिकम्स 4 × 3 12i1 एंड दिस बिकम्स माइनस 9i2. ओके एंड दिस बिकम्स 2 × 3 6. ओके है ना. ए वाला लिख लिए इक्वेशन 2 और 2 को क्या कर दिए 1 को क्या कर दिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिए क्योंकि ये आपका कैंसिल ऑफ है. 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आपका 6i1 माइनस 9i2 इक्वल टू माइनस 4 एंड दिस इज मल्टीप्लाई बाई 3 4 × 3
है ना, इसको हम लोग क्या कर दिए, 3 से मल्टीप्लाई कर, तो ये क्या हो गया 4 इंटू 3 12 बाई 1 माइनस 3 इंटू 3 9 आई 2 इक्वल टू 6। नाउ सब्सट्रैक्ट इट, इसको घटा दो, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये दोनों कैंसिल हो, ठीक है, और ये क्या बच गया आपका 6 माइनस 12 माइनस 6 आई 1 और ये क्या हो गया माइनस 6 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 10। ओके दिस कैंसिल्स आउट, तो आपका हो गया कितना, हो गया आपका आई वन इक्वल टू 10/6, दैट बिकम्स नाउ 5/10, दैट इज आपका जो है, ठीक है, 5/3 दैट इज 1/5/3, तो ये हो गया 1.6 एमपी। ओके आई वन निकल गया, पुट द वैल्यू ऑफ, पुट द वैल्यू I1 in equation 2, इसमें रख दे तो कितना हो गया 6 इंटू I1 बस 5/3 है ना, क्या कर दिए यहाँ पर इक्वेशन 2 था ये आपका, इसमें क्या कर दिए I1 का वैल्यू रख दिए, तो ये आपका क्या हो गया 6 इंटू I1 6 फाइव माइनस 9 I2 इक्वल टू माइनस 4, दिस बिकम्स 10 माइनस 9 I2 इक्वल टू माइनस 4 और I2 इज नाउ इक्वल टू 9 I2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 है आपका इधर और ये आपका, तो ये 10 प्लस 4 हो गया इक्वल टू 14। ओके एंड दैट I2 इक्वल टू 14/9, ये आपका कितना है 14/9, क्या है अब निकाल दीजिए सर, I1 I2 निकल गया, I1 कितना है 1.6, I1 कितना रहा 1.6, तो अब आप करिए करंट पासिंग थ्रू ब्रांच रेजिस्टेंस बार 2, तो इसके थ्रो कितना आपका, इसके थ्रो कितना I1 का रेट, दैट इज I1 वाज व्हाट 1.6 एमपी। ओके अगेन करंट पासिंग थ्रो थ्रो 3 ओम रेजिस्टेंस कितना है आपका, दैट इज I2 और ये कितना है आपका 1.5, ठीक है। अब यहाँ पर करंट पासिंग थ्रो कितना 6 ओम रेजिस्टेंस, 6 ओम रेजिस्टेंस, दैट इज व्हाट I1 - I2, I1 का वैल्यू कितना है 1.6, I2 का वैल्यू कितना है 1.5, तो यह हो गया आपका 0.1।
यहाँ से आपका 0.1 ओम, इससे आपका 1.6 एम्पियर और इससे आपका 1.5 एम्पियर. ओके, देन इन दिस वे यू कैन सॉल्व द एनी न्यूमेरिकल डीसी नेटवर्क बाय यूजिंग करंट एनालिसिस में. ओके.